बोलता था। हेलो, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए बिना समय गवाए फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है लौकी को जो है कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करके फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे कि इसे जो है थोड़ा सा प्लेट को टेढ़ा कर देंगे। इसके नीचे कुछ लगा देते हैं, चाकू या कोई चीज़ भी आप लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जितना इसका एक्स्ट्रा पानी रहेगा सारा लौकी का निकल जाएगा, क्योंकि लौकी में पानी होते हैं। तो अब तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो आइए देखते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम सबसे पहले गैस को ऑन कर लेते हैं और रख देते हैं कढ़ाई। कढ़ाई की जब तक गर्म हो रही है हम आपको आगे का बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम ले लिए हैं एक कटोरी बेसन। बेसन आप लौकी के हिसाब से ले लीजिएगा जितना आप बना रहे हैं। लौकी आपका कितना, मेरा लौकी 500 ग्राम है तो उस हिसाब से हम बेसन भी लिए हैं। तो बेसन को डालकर और लो फ्लेम वीडियो बस इसे हम जो है रोस्ट कर लेंगे। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम जो है भून लेंगे बेसन को। इसमें घी बिल्कुल नहीं डालना है, ना घी ना तेल। रोस्ट हम भूजेंगे बिल्कुल उसी तरह भूनना है हमें बेसन को, हल्का सा बस। इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सूनापन ये कच्चापन बेसन का निकल जाता है। बहुत ही अच्छा ये टेस्ट आएगा जो हम बना रहे हैं रेसिपी। तो 2 मिनट हमारा हो गया फ्रेंड्स बेसन को भूनते हुए। अब इसे हम गैस को जो है बंद कर देंगे। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा जो है इसका कच्चापन निकाल लेना है। तो देखिए 2 मिनट हो गया है हमें भूनते हुए, गैस को ऑफ कर दिए हैं। तो इसे हम ठंडा होने देते हैं, तब तक आगे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम मसाले आपको दिखा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक बड़ी इलायची ले लिए हैं, तो बड़ी इलायची डाल देते हैं। काली मिर्च ले लेंगे, खड़ा काली मिर्च। तो यहाँ पे हम लगभग 1 चम्मच के बराबर काली मिर्च ले लिए हैं। जीरा ले लेंगे, खड़ा जीरा ले रहे हैं हम, खड़ा जीरा भी डाल दिए। अब इसमें हम जो है मिर्च डाल देंगे। तो लाल मिर्च हम लिए हैं, यहाँ पे लाल मिर्च का हम इस्तेमाल करें। तो देखिए 5 से 6 लाल मिर्च ले लिए हैं। बस इतना ही मसाला हमें पीस लेना है। तो पहले हम सबसे पहले मसाले को पीस लेते हैं। हाँ, इसमें सॉरी फ्रेंड्स लहसुन भी पीस लेना है, तो लहसुन भी हम ले लेते हैं। अगर आपके लहसुन का पेस्ट डालना चाहती हैं तो उसे भी डाल सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट वही आएगा, अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे जो है हम मसाले में लहसुन भी छील कर देखिए ले लिए हैं। इसमें प्याज नहीं डालना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस लहसुन ले लिए हैं। अब इसमें हम हल्का सा पानी डाल के मसाले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बेसन को तो भून के लिए हैं, आप देख सकती हैं बिल्कुल ये बस हल्का सा इसे 2 मिनट कर लेना है, इससे बेसन का कच्चापन निकल जाता है। और अब ये जो हम लौकी रखे हुए हैं कद्दूकस करके, देखिए ये कितना ढेर सारा पानी निकला है ना पानी। तो इससे जो है बहुत अच्छा रहता है, प्लेट को तिरछा कर दीजिए। और हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम बेसन में जो है लौकी को डाल देते हैं। और यहाँ पे जो हम मसाला तैयार करके रखे हैं, मसाला हमने आपको दिखाया है उसे पीस लिए हैं। तो ये मसाला पीस लिए हैं, अब मसाले को भी इसमें डाल देंगे। पानी हम बिल्कुल भी अभी नहीं डालेंगे, जब पानी का ज़रूरत हमें लगेगा तभी डालेंगे, नहीं तो लौकी में पानी होता ही है तो इसलिए हम पानी नहीं डालेंगे। देखिए अब यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल देते हैं 1 चम्मच के लगभग। नमक डाल देंगे टेस्ट अनुसार। तो नमक हम यहाँ पे टेस्ट अनुसार डाल रहे हैं। नमक थोड़ा सा हम कम ही डालेंगे, क्योंकि आगे भी हमें आपको बताएंगे नमक हम क्यों कम डाल रहे हैं। थोड़ा सा नमक कम डालिएगा टेस्ट के हिसाब से, हल्का सा हम कम कर देंगे। अब इसे हम सारे को जो है मिला लेते हैं। तो
तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पकौड़ी नहीं बना रही हूँ लौकी का, आप लोगों को बता दें हम लौकी का कोफ्ता बना रहे हैं, तो आप लोग वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहिएगा। तो ये हमारा जो है बिल्कुल तैयार हो गया बन के पेस्ट, देखिए इसे हम अच्छे से फेंट कर तैयार कर लिए। बेसन को, मसाले को, सारे चीज़ को अच्छे से हमें मिला लेना है, टेस्ट इसका अच्छा आएगा। तो ये हम जो है तैयार कर लिए, यहाँ देखिए हम बिल्कुल रेडी कर लिए हैं इसे। हाथ साफ कर लेते हैं फिर आगे की तैयारी कर। तेल हमारा गर्म हो गया है फ्रेंड्स, अब जो है इसमें जो है हम कोफ्ते को तल लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए हम सारे जो है डाल दिए हैं और इसे पक जाने देते हैं, फिर पलटते हैं। तो ये पक जाए फिर इसे हम पलटते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम पलट दिए हैं, एक तरफ का हमारा पक गया है। इसे हम चलाते रहेंगे, घुमा देंगे कि चारों तरफ से अच्छे से ये पक जाए, कच्चा नहीं रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो गया है, इसे हम जो है अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा ये जो है लौकी की कोफ्ता बहुत ही टेस्टी बनता है और बिल्कुल ये मुलायम रहेगा। अभी आपको हम दिखाएंगे। तो बस इसे हम निकाल लिए, बाकी को भी हम ऐसे ही सभी को तल लेंगे, फटाफट तल लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम सारे पकौड़े जो है तल के तैयार कर लिए कोफ्ते वाले, देखिए। तो ये हमारे सारे बन के रेडी हो गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हम दूसरी कढ़ाई रख दी है फ्रेंड्स गर्म होने के लिए। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है हमारे सारे पकौड़े कोफ्ते वाले बन के रेडी हैं। अब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे। तो ग्रेवी के लिए हम तैयारी कर लिए हैं, कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए। तो तेल हमारा गर्म है फ्रेंड्स, अब इसमें जो है हम डाल देते हैं। सबसे पहले तेजपत्ता लिए हैं और ये प्याज हम कट करके ले लिए हैं, पतला पतला एक प्याज कट करके लिए हैं। तो इसका हम तड़का दे देते हैं। प्याज को हम हल्का सा जब लाल हो जाएगा फिर इसमें हम मसाले डालेंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी तैयार करनी। तो प्याज हमारा लाल हो गया है, आप देखिए। अब इसमें हम मसाले जो पीस के रखे हैं ग्रेवी के लिए तैयार किए हैं उसे डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जार में ही डाल के थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इससे मसाला जो है जलेगा नहीं और अच्छे से भून जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं इसमें, और अब डाल देंगे हल्दी पाउडर। नमक डाल देंगे, नमक हम इसीलिए बोल रहे थे फ्रेंड्स कि पहले से जो है थोड़ा टेस्ट से कम डालना है पकौड़ी में, क्योंकि फिर इसमें भी हम नमक डालेंगे ग्रेवी में भी, तो इतना नमक मेरा सही है। मसाले में हम जो है लाल मिर्च पाउडर नहीं पीसे हुए हैं, तो थोड़ा सा डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि बच्चों को भी खाना है तो बच्चों को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं आएगा। और मसाले को अच्छे से चला देंगे एक बार, मसाले को भूनते रहेंगे चला। तो फ्रेंड्स हम आप लोगों को मसाला नहीं दिखा पाए हैं, हम उस समय पहले से ही पीस लिए थे। तो आपको बता देते हैं, मसाले में हम जो है एक चम्मच जीरा खड़ा लिए हैं, एक चम्मच काली मिर्च लिए हैं, दो बड़ी इलायची लिए हैं और थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का ले लिए हैं, लहसुन और प्याज और अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा पीस लिए हैं और खड़ा धनिया पीसे हैं फ्रेंड्स, यही मसाले में हम पीसे हुए हैं। तो हम मसाला उस समय आप लोगों को दिखा नहीं पाए थे फ्रेंड्स, मसाला पहले से हमने पीस के रख लिया था। आप लोगों को बता दिए क्या क्या मसाला हम पीसे हैं ग्रेवी का, और उसमें जो कोफ्ते के अंदर डाले थे
वो तो आपको हम दिखाए थे मसाला। आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए होंगे या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आए और आप लोग मेरी वीडियो को देख सके। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आप सभी लोगों को अच्छी लगती है, पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मसाला यहाँ पे हमारा भून गया है, बिल्कुल देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। तो ग्रेवी आप कितना रखना चाहती हैं फ्रेंड, उस हिसाब से अपने आप पानी डाल दीजिएगा। कितने लोगों का बना रही हैं, तो यहाँ पे हम पानी डाल दिए हैं ग्रेवी के लिए। इसे अब हम अच्छे से उबाल आने देंगे। तो ग्रेवी में देखिए उबाल आने लगा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारा पक गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं जो ये कोफ्ते की पकौड़ी बना के रखे हुए हैं, इसे डाल देंगे। इसे डालकर गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर देंगे और इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए, सिर्फ इसे ढकेंगे। तो ग्रेवी में देखिए उबाल आने लगा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारा पक गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं जो ये कोफ्ते की पकौड़ी बना के रखे हुए हैं, इसे डाल देंगे। इसे डालकर 2 मिनट हो गया फ्रेंड्स, देखिए कोफ्ते हमारे हो गए हैं। बिल्कुल ज़्यादा पकाएंगे तो गल जाएगा, ये बिल्कुल सही है, गैस को कर देते हैं आप। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए कोफ्ते बनके बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म आप देख सकती हैं और कितना बढ़िया, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बना है फ्रेंड्स, इतना मुलायम ये कोफ्ता होता है और बनने में भी बहुत आराम है, आसानी से बन जाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, मेरे वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा आप लोग। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आए और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो आज का वीडियो हम यहीं बंद करते हैं फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के लिए, तब तक के लिए।